जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैंने सीएनजी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है मेरे को और लोगों की काफ़ी इंक्वायरी भी आई है, लेकिन उसमें वो थोड़े कंफ्यूज हैं क्योंकि आरटीओ में कोई गाइड नहीं कर रहा। गाइड इसीलिए नहीं कर रहा, क्या पता आरटीओ वाले को पता है या नहीं पता है, लेकिन अपने वीक पॉइंट तो कोई बताता नहीं है सामने कस्टमर को। तो इसीलिए इन सबों का झोल झाल पूरा कंप्लीट करके मैं दोबारा से वही वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखना वीडियो को, क्योंकि वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, उसे मिस मत करना। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप गाड़ी के अंदर सीएनजी लगवाने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आप ऑथराइज्ड डीलर को ढूंढा करो कि ऑथराइज्ड डीलर कौन है, वो परिवहन की वेबसाइट पे लिस्टेड है या नहीं है, उसकी सीएनजी की किट रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। अगर जो रजिस्टर्ड नहीं होगा आपकी सीएनजी अप्रूवल नहीं होगी, ध्यान रखना गाड़ी के अंदर। तो इसीलिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको ध्यान रखना, नोट कर लेना। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप कराने जाते हो तो जो डीलर है, डीलर आपको बोलता है जी मैं भी करा के दे सकता हूँ, बट उसमें वो कुछ चार्ज जोड़ता है। आप कहते हो नहीं जी आप रहने दो, हम करा लेंगे। तो आप करा लेंगे तो डीलर से एक बात कन्फर्म करना कि उससे फाइल आपको कम्प्लीट चाहिए। जो भी फाइल होती है, सिलेंडर सर्टिफिकेट होता है, इनवॉइस होता है, प्लान होता है, ये सारी चीज़ें जो भी वहाँ डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे आपको लेने हैं। फाइल लेने के बाद में एक 20 नंबर फॉर्म होगा, वो खुद आपको चेसी नंबर स्क्रैच करके और सिलेंडर नंबर स्क्रैच करके वो देगा, वो खुद देगा, क्योंकि आरटीओ में ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मत भूलना। अब इसके बाद आप आरटीओ जाते हो, आप ऑनलाइन करते हो, उन्होंने कहा जी ऑनलाइन होता है। आप गए घर, आपने अपना सिस्टम खोला कोई भी जिस पे आप काम करते हो, आपने देखा कि यार गाड़ी नंबर डाला उसमें आ ही नहीं रहा। वो एक्चुअली में आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि उससे पहले आपको आरटीओ में एक एप्लीकेशन लगानी होती है, उसे बोलना पड़ता है कि सर ये रेट्रोफिट कर दो। जब वो वहां से अलाउ करते हैं तभी जाके उस सिस्टम पे रिफ्लेक्ट होता है, तभी आप सीएनजी की फीस काट सकते, क्योंकि रेट्रोफिटिंग कराना इम्पोर्टेंट होता है हर कस्टमर को। अगर जिसकी ऑलरेडी हो रखी होगी उसे कोई दिक्कत नहीं है, उस सिस्टम पे दिख जाएगा, लेकिन अगर सीएनजी की डिटेल नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको रेट्रोफिट नहीं है। तो रेट्रोफिटिंग कराने के लिए आपको दोबारा से आरटीओ विजिट करना होगा, फाइल लेके जाना, उन्हें दिखा देना कि सर सीएनजी लगवाइए, रेट्रोफिट कर दो। इसके बारे में कई लोगों को नहीं पता है क्योंकि ऑनलाइन अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है, किसी स्टेट में तो इस पे काम चल रहा है, कई स्टेट पे काफी दिनों से रनिंग पे है। जहाँ रनिंग पे है तो वहां तो इश्यू सॉल्व है, जहाँ रनिंग पे नहीं है वहां पे इश्यू है। तो इन इश्यूओं को सॉल्व करने के लिए तभी मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, और ये भारत का मात्र एक ऐसा चैनल है जो ऐसी प्रॉब्लमों पे सॉल्यूशन देता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। उसके करने के बाद में आपको दोबारा आना है, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने, अपलोड करना, अपलोड करके आपको केवाईसी करनी है, केवाईसी करने के बाद डायरेक्ट फीस काटनी है। दिल्ली में 950 की फीस है, 950 रुपए की दिल्ली में मात्र ये फीस है। आपके स्टेट में कितनी है कमेंट करके बताइए, और कुछ दिक्कत आ रही है तो फिर भी कमेंट कीजिए। मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ऑलरेडी नंबर है, मुझसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय हिंद जय भारत।